हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो लेके। उम्मीद करूँगी आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। नई दिन की नई शुरुआत के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और हम सब ने नहा लिया है। तो आप सभी को पता है आज है फूल डे का त्यौहार, फूल संक्रांति भी बोलते हैं इसे। तो ये मतलब जो चैत महीने का पहला गते होता है, मतलब ये वैसे तो महीना तो मार्च का है बट जो गते के हिसाब से होता है हमारा, तो चैत का महीना आज से लग जाता है। तो आज हमारे हिंदू कैलेंडर में हमारा नववर्ष होता है, तो हिंदुओं का नववर्ष आज ही होता है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फूलदे का त्यौहार भी है और हिंदू नववर्ष भी है। तो हम जो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को, वो अंग्रेज़ों वाला होता है, बट जो हमारा असली वाला होता है वो आज ही होता है। तो आज नया साल भी है हमारा और फूलदे का त्यौहार भी है। तो फूलदे का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में। तो फूलदे का जो त्यौहार होता है, इसमें बच्चे पहले दिन ही फूल तोड़ के लाते हैं, मतलब कल तोड़ के लाए हैं बच्चे। तो आज बच्चे पूरे गांव में सबके घर में जाते हैं, उनके दहलीज पे फूल डालते हैं और उनको उन फूल डालने के बदले, मतलब हम लोग उन्हें चावल, गुड़ और कुछ पैसे देते हैं। तो ऐसी परंपराएं होती है हमारे गांव में और त्यौहार ऐसी होता है ये वाला। तो इसमें बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं इस त्यौहार के लिए कब से, क्योंकि ये वाला त्यौहार 19 से हुआ, तो बच्चे पूरे गाँव में घूमते हैं। तो ये वाला त्यौहार काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी हम सब ने नहा लिया है घर में, अंजू कर रहे हैं मंदिर में पूजा। तो अभी कपड़े तो नहीं धोए हैं, कपड़े धोने के लिए हम जाएंगे धारा, क्योंकि हमारे यहाँ पानी आ नहीं रहा है। तो कुछ बच्चे तो हमारे यहाँ सुबह आ गए हैं क्योंकि उनको स्कूल जाना है, बच्चों की छुट्टियाँ नहीं है स्कूल की, तो वो लोग स्कूल भी जाएंगे, तो इसलिए कुछ तो अभी आ गए हैं, कुछ अभी आएंगे। तो हर घर का मतलब जाना ज़रूरी है, तो अभी हमारे घर से भी अंजू जाएंगे। तो दोस्तों, ये त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है, तो आजकल खेतों में पीले पीले फूल दिखते हैं। और ये जो त्यौहार है आज का फूलदे का, इसमें जो मतलब इसके जो मतलब मेन फूल होता है उसको बोलते हैं फ्योली, मतलब वो हमारे गांव में तो होता नहीं, पीला फूल होता है वो, तो उसी को लोग लाते हैं दहलीज पे डालते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं होता, तो बच्चे और फूल लेके आते हैं जो हमारे यहाँ है। तो दोस्तों, हम ये वाले फूल तोड़ के लाए हैं कल, हमारे यहाँ यही फूल होते हैं पीले वाले और वाइट लेके। तो अंजू भी आटा गूंथ रहे हैं, हम बनाएंगे पूरियां। अंजू का ये वाला काम चल रहा, अभी बनाएंगे पूरी और तब तक हम अपना काम करते हैं। पानी तो आ गया, अभी कपड़े धोने हैं, तब तक मैं अंदर पोछा लगा लेती हूँ। वैसे तो एक कमरे में अंजू ने लगा लिया और मैं लगाती हूँ नीचे वाले पे। तो दोस्तों, अंजू की तैयारी हो गई है शुरू, अंजू बनाने वाले हैं पूरियां, कढ़ाई में उन्होंने रख लिया है तेल, तो वो पूरी बनाएंगे, तब तक हम कुछ और काम करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो त्यौहार होता है, मतलब इस महीने में जो बेटियाँ होती हैं उनको अपने मायके से मिलती है भिटोली, तो आओ भी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। तो ये इस वाले महीने में अब सभी जो महिलाएं होती है, जो मतलब जिनकी शादी हो गई है, उनको अपने मायके से मिलता है और ससुराल में बनाते हैं। कोई तो अपने मायके से बना के लाता है या फिर कोई ससुराल में बनाता है। तो ये वाला महीना पूरा भिटोली का ही होता है, तो ये जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि सभी लोग बनाते हैं गांव में, सबका ही आता है। अब शुरू हो जाएगा ये चैत के महीने में, तो अभी अंजू ने भी पूजा पाठ कर ली है, वो भी जाएंगे गांव के सभी घरों में फूल खेलने, मतलब फूलदे ही ठहरा फूलदे का त्यौहार। और इस पर बच्चे जब फूल डालते हैं तो फूलदे भी बोलते हैं, बट अभी जब आएंगे तो वो बोलेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे पहाड़ में कैसे त्यौहार मनाया जाता है। हमारे गांव के बच्चे आ चुके हैं फूल दे का तैयार करने। हाय, रूही बोलेगी, रूही बोल तो क्या बोलते हैं? आज गांव में बच्चों की धूम है, सबके घर में जाते हैं। ये दक्षु की मम्मी आ गई हैं, ये अपने दक्षु के बदले आए हैं, इनका दक्षु नहीं आ रहा। फूल दे ही तो को
फूल दे छम्मा दे जद को चला उद को सही ये बुरसा फूल सब लास्ट में तो मरवा कट के जाना मैंने को जाने नहीं पर मेरा शर्म लग नहीं क्या क्या शर्म रहा है ना मानते ना वो बना जोर से बोलना फूल ले दे छम्मा दे जद को चला उद को सही वो दादा तू भी तो बोल काली उधर छम्मा दे जद को चला फूल दे छम्मा दे जद को चला उद को सही और जो ये चावल मतलब मिलते हैं जैसे भी अंजू भी लाएंगे तो शाम को उसका सही बनाते हैं या मतलब कोई मीठा वाला बनाते हैं कोई नमकीन बनाते हैं तो सही रहते हैं। हाँ वैसे हलवा ही हुआ हो मतलब पहाड़ों में उसको सही बोलते हैं तो आज शाम को बनाते हैं वो चावल भिगोने डाल के पीस के उसको बनाते हैं काफ़ी अच्छा होता है। तो जो शहरों में है पहाड़ से जो शहरों में चले गए हैं उनको भी ये त्यौहार काफ़ी याद आ रहा होगा अपना बचपन उनको याद आ रहा होगा कि वो भी बचपन में ऐसे ही जाते थे। तो ऐसी मतलब पहाड़ से जुड़ी हर चीज़ें जो पहाड़ के लोग बाहर रहते हैं उनको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है मतलब अपना बचपन भी उनको याद आता है। तो ऐसे ही गाँव के बच्चे भी जा रहे हैं और हम भी तब तक अपना काम भी करते रहते हैं और बच्चों को देने के लिए तो मम्मी चाहिए हाँ और अंजू ने बनानी है पूरियाँ कपड़े भी धोने हमने अभी कुछ काम नहीं किया आज तो काम होने में लेट ही होगा कपड़े धोने के लिए भी धारा जाएंगे पानी तो आ नहीं रहा हमारे यहाँ। तो हमारे डुग्गू और रौनक का फर्स्ट क्लास हो रहा है ये रेस्ट में है खा पी के मज़े कर रहे हैं तेरी दे में बारंबार तो दोस्तों अभी बच्चे सभी घरों में जाते हैं और हमारे अभी आधे बच्चे आए हैं अभी आधे और आएंगे क्योंकि आजकल स्कूल है तो आधे बच्चे तो स्कूल चले भी गए हैं वो सुबह ही आ गए थे। तो बच्चे जब फूल डालते हैं तब वो ऐसा बोलते हैं फूल दई छम्मा दई जद्व देला उद्व सही फूल दई छम्मा दई दैनी द्वार भरी भकार तुम्हें द्वार में उलो बारम्बार। तो मतलब पहाड़ी में बोलते हैं हिंदी में इसका मतलब ऐसा होता है फूल दई छम्मा दई जद्व देला उद्व सही मतलब आप जितना दोगे उतना ही सही है और दैनी द्वार मतलब आपका दरवाज़ा हमेशा खुला रहे और जो आपके अनाज के भकार हैं वो मतलब हमेशा भरे रहे मतलब पहले ज़माने में होते थे भकार वगैरह तो अभी तो भकार होते भी नहीं हैं कई कई जगहों पर होते हैं तो वो भरे रहें और आपकी दहलीज में हम बार बार आते रहें तो इतना प्यारा सा वो कहते हैं। तो बच्चे ऐसा बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी घरों में तो कोई रहता भी नहीं है उनको मतलब जो शहरों में चले गए हैं तो उनके घर यहाँ खाली रहते हैं तो ये सब कुछ भी उनके लिए भी होता है जब वो घर पे होते तो काफ़ी अच्छा होता उनके दरवाजे भी खुले रहते ये त्यौहार उनके यहाँ भी मनाते बच्चे जाते। हमारे अंजू ने बना लिए हैं गर्मा गर्म पूरियाँ अभी तो थोड़ा और है और ये पकौड़ी की तैयारी भी हो गई है मम्मी ने काट लिए हैं प्याज और आलू और डुगू को हमने यहीं पे रखा है ये टीका लग के काफ़ी मस्त लगता है डुगू यहाँ पे अंजू को कंपनी दे रहा है ये बैठ के बैठता ऐसी है ये पीछे के पैरों से सबका अपना अपना काम चल रहा है तो मैं भी गोबर फेंक के आती हूँ तब तक मैं वाला काम कर लूँगी तो उसके बाद साथ में ही जाएंगे अंजू में धारा कपड़े धो के आएंगे। दोस्तों हमारे चाचा जी दूध देके हैप्पी न्यू ईयर आज नई साल जो नई साल आज हो पे असली वाला हमार आज चाचा जी दूध देके आ गए हैं क्योंकि हमारे भैया गए हैं रुद्रपुर तो अभी डुगू के साथ डुगू यहीं से तो दोस्तों मैंने गोबर फेंक लिया है और अंजू ने पूरी भी बना ली है तो अभी वो जाएंगे फुलदे खेलने के लिए मम्मी ने उनके लिए थाली बना ली है मम्मी ने अंजू के लिए पीतल का परात निकाला है और ये चार कटोरी पहले सबसे पहले अपने ही घर का लेके जाते हैं ना तो मम्मी ने इसमें हमारे घर का चावल और गुड़ डाल लिया है अभी अंजू जाएंगे इसको लेके और ये रहे फूल इसमें लेके जा रहे फूल को सबकी दहलीज पे डालेंगे और वो देंगे इनको चावल और गुड़ अभी मेरी मम्मी बना रहे हैं खीर त्यौहार में तो मीठा बनता ही है और हम बनाते हैं खीर तो भी हमारी खीर बन रही है तब तक मैं कपड़ों में लगाती हूँ साबुन अंजू चले
तो दोस्तों अंजू आ गए हैं फुलदे खेल के। अंजू किरण गए थे एक गांव में घूम के, इतने चावल और एक गुड़। वैसे चावल हो ही जाते हैं, इतने मांगते हैं ना। तो आज शाम को हम इसकी बनाएंगे सही। मम्मी मीठा वाला बनाओगी कि नमकीन? अभी तो हम मीठे में खाने वाले हैं खीर। खीर हमारी रेडी है दोस्तों। कपड़े भी मैंने धो लिए हैं और अभी पहले हम खाएंगे खीर, उसके बाद जाएंगे धारा। और मेरे को तो बहुत भूख लग गई है, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो पहले खीर खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद जाएंगे। हमारी खीर रेडी है और इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं। मम्मी के हाथों की तो काफ़ी टेस्टी होगी, इसको देख के ही खाने का मन कर रहा है अब मुझे। तो दोस्तों आज दहलीज में फूल ही फूल होते हैं, देखो। तो मम्मी चले खीर और दही लेके, ताई जी को देके आएंगे, अपनी बड़ी वाली जेठानी को। दोस्तों अभी हम करते हैं नाश्ता। ये रही हमारी खीर पूरी और ये है गर्मा गर्म पकौड़े। अभी हम करते हैं अपना नाश्ता एंजॉय। रौनक और डुगू को भी देंगे, पहले हम खा लेते हैं। पकौड़ी काफ़ी टेस्टी हो रही है वैसे। हमारी चाची आ गई हैं। तो दोस्तों अंजू मैं चले धारा कपड़े धोने के लिए। साबुन तो हम घर से ही लगा के लाए हैं, बस खाली पानी में सुजाने हैं, क्योंकि हमारे घर पे तो पानी इतना कम आ रहा है और इतने कपड़े धोने तक तो सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। धारा में तो भरपूर पानी है, वहाँ कितना भी धो सकते हैं हम अच्छे से। चलते हैं, पहुँच गए हैं हम अपने धारा। अब गर्मियों के दिनों में यहाँ धूप सुबह सुबह ही आ जाती है, जाड़ों के दिनों में तो यहाँ धूप देखना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छे से धो पाएंगे, धूप ही धूप है। तो दोस्तों हमने तो सारे कपड़े धो लिए हैं और यहाँ एक दीदी भी आ गए हैं कपड़े धोने। हाँ, पानी की कमी होने की वजह से यहाँ आना पड़ रहा। अब हम तो जाएंगे घर को, ये आएंगे आराम से धो धो। अब चलते हैं दोस्तों घर को कपड़े धो के। अंजू अभी पीछे सारे में तो आगे आ गई, कपड़े सुखाने डालने में टाइम लगेगा, ज़्यादा कपड़े हैं। तो दोस्तों कपड़े धो के आ गए हैं, कपड़े सुखाने के लिए भी डाल दिए। और अभी मैं जाऊंगी ग्वाला, अभी अंजू गए हैं थोड़ा बकरियों को लेके, अभी चलते हैं ग्वाला। और इतनी तेज़ वाली धूप लग रही है अभी से ग्वाला में, तो और भी ख़तरनाक धूप लगेगी। तो चलते हैं, छुट्टे बनाए हैं आज, पता नहीं मेरे बाल लंबे कब होंगे। तेल डालेगी तो बाल लंबे भी होंगे, तेरी भी डाल दिया काम से मुझे बाल लंबे कब हो जाएंगे। फिर चलते हैं पानी का बोतल लेके जाते हैं, बहुत प्यास लगती है और इस धूप में पानी तो ज़रूरी चाहिए। और खीर काफ़ी टेस्टी हुई थी हमारी, चलते हैं। अभी हम आ गए हैं ग्वाला, यहाँ सारी बकरियाँ हैं और उनका फार्म करने के लिए एक एक ग्वाला वाले। गाय हमारे ऊपर ही है और ये हमारे अम्मा ऊपर ही है। अम्मा हेलो, अम्मा हेलो, फुल दे करेगा आज? फुल दे करी ली आज। हाँ ऊपर आओ, ये मेरी अम्मा की चुटिया देखो, रिबन। अम्मा ने रिबन के बाल बनाए हैं, नीचे से है इनका पीला वाला, ऊपर से गुलाबी, लंबी लंबी चुटिया है। अम्मा क्यों ना, अम्मा के हंसी से लड्डू खुल गए हैं, मारो मारो। यह हमारी सबसे, यहाँ जितने ग्वाला आते हैं सबसे सयानी है अम्मा, मैं तो अम्मा बुलाती हूँ इनको प्यार से। वैसे तो लगते हैं मेरे ताई जी, मेरी अम्मा की तरह लगते हैं ना ये, इसलिए मैं इनको अम्मा बोलती हूँ। आओ। तो दोस्तों आजकल ये वाले फूल काफ़ी खिले रहते हैं, मेहल का पेड़ है, आजकल इसी के खेतों में पूरे इसी के फूल रहते हैं, वाइट वाइट, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखो हवा भी चल रही है, साथ में लहरा रहे हैं फूल। से आ गई हूँ मैं घर,
ये है मेरी मम्मी। और अभी हमारा खाना बन रहा है कुकर में, सिलती आ रही। क्या बनाया है आज आपने? खिचड़ी। खिचड़ी बनाई है अभी, क्योंकि सुबह हमने पूरिया और खीर खाई थी, तो हमने आज सुबह चावल और नहीं बनाए थे। तो अभी हम खाने वाले हैं खिचड़ी, थोड़ा देर में खाएंगे। अभी सिटी आ रही है ठंडे होने के बाद, अभी तो काफ़ी गर्म होगा। और ये हमारा डुगो आ गए हैं फ़ोन पे देख रहा। अभी खाएंगे खाना थोड़ी देर में। और आजकल इतनी धूप लगने लगी है, इतनी तेज़ गर्मी। अब तो जाड़ों के दिन गए वैसे भी, आज से अब गर्मी के ही दिन आ गए। इतने गर्मी में नहीं रहा जाता है ग्वाला, ठंड। तो दोस्तों हमारी खिचड़ी है रेडी। हमारी खिचड़ी थोड़ी गीली गीली है, अभी गरम गरम खा लेते हैं। और साथ में है हमारे पुदीने की चटनी, प्याज भी काटा है इसमें, और है साथ में घी, शुद्ध घी हमारे भैंस का। अभी आज हमारा खाना काफ़ी लेट हो रहा है चावल वाला, वरना सुबह ही खा लेते हैं आजकल। वैसे तो अब दिन में खाने वाले दिन आ गए हैं। अभी हम खाते हैं खाना, ये घूडई चटनी और खिचड़ी खाने लग गए अंजू। तो दोस्तों खाना खा लिया है और खिचड़ी काफ़ी अच्छी हुई थी, पेट भी फुल है और हमको तो खाना खा के आनंद आ गया। बट हमारे डुगू को हमसे ज़्यादा आनंद आ गया है, चुपचाप सो गया वहाँ पे। देखो ये देखो इसे, डुगू आंखें खोलेगा बट उठेगा नहीं, जब तक हमने इसको खाना नहीं दिया। टुन हो गया अभी खाना खाने के बाद। डुगू यहाँ पे मस्त है, रौनक यहाँ पे, दोनों ने खाना खा लिया है। फूल खिले सामने से वाइट वाइट। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और भैंस और बकरियों को भी बाहर थोड़ी देर में बांधेंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी गर्मी होने लगी है। एक तो भैंसों को तो और भी ज़्यादा धूप लगती है, वो एकदम काले हुए, तो उनको भी थोड़ा देर में बाहर बांधेंगे। अभी बहुत तेज़ वाली धूप है। बकरियाँ भी हमने एक गोटी बांधे हैं, उनको भी अभी बांधेंगे थोड़ा देर में। तब तक हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और बकरियाँ वगैरह भी रेस्ट करेंगे। डुगू भी जैसे हमारा रेस्ट कर रहा है। हेलो हेलो डुगू, हाथ दे। हेलो अंजू, गर्मा गर्म चाय बना के ला गए हैं, अभी गुड़ वाली चाय पियेंगे। और मम्मी यहाँ हमारे चाय पीते पीते फोन में देख रहे हैं वीडियो। तो दोस्तों अभी चाय भी पी ली है और मैं और अंजू जाएंगे अभी घास को। और डुगू कैसा कर रहा है पीछे से, हम हंसते खेत में गोबर डाल के भी आएंगे और घास भी ढूंढ के आएंगे, चलते हैं अभी। तो दोस्तों घास से मैं आ गई हूँ और अभी हमने अपने भैंस को दी है हरी वाली घास और कपड़े भी उठा लिए हैं। तो अभी हमारे जो रात के खाने की तैयारी है वो शुरू हो गई है। तो आज तो मैंने सुबह बताया था सही बनती है, जो सुबह चावल आते हैं फुलदई के उनसे, तो मेरी मम्मी ने तो चावल पीस भी लिए हैं, पीस के रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। मम्मी ने चावल तो पीस लिए हैं यहाँ पहले से ही, मम्मी ने निकाल ली है यहाँ से लाई। और आप भैया भी आ गए हमारे रुद्रपुर से घूम के, दो तीन दिन की छुट्टी के बाद, काफ़ी दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। तो अभी सही बनाएंगे, तो कोई लोग मीठे बनाते हैं कोई नमकीन, तो मुझे तो मीठा पसंद है। वैसे मम्मी लोग नमकीन बनाने की सोच रहे थे, बट मेरी पसंद है करके उन्होंने भी सोचा कि मिठाई बना लेते हैं, तो हम मीठा बनाएंगे। और अभी उसके साथ हम हरी सब्ज़ी बनाएंगे, तो मम्मी खेत से निकाल रहे हैं लाई, हरी सब्ज़ी बनाएंगे। और सही, तो आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो कल मिलेंगे, तब तक अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय।